स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद आलोक में। एक बार पुनः मैं गौरव निरंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे थे। कल मैंने उत्तर अमेरिका महाद्वीप का पहला भाग आपको समझाया था और पहले भाग में हमने आपको बताया था कि उत्तर अमेरिका की महत्वपूर्ण झील है, बल्कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप में हमने USA की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में चर्चा की थी। उन्हीं झीलों से संबंधित आगे जानकारी बताई थी मैंने। हमने आपको घास के मैदान बताए थे। USA में घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान को जो USA में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें प्रेयरी नाम दिया गया, जबकि कनाडा में कनाडियन शील्ड प्रदेश कहते हैं। ये सारी चीजें हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको ये भी समझाया था कि वो झील है, झील के किनारे क्या है, कई सारे शहर बसे हुए हैं और उन शहरों की कुछ ना कुछ विशेषता है। कहीं पर रेल के इंजन बनाए जाते हैं तो कहीं पर लोह इस्पात उद्योग का कारखाना है। ये सारी चीजें हो गई थी। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियों को पढ़ेंगे। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कई सारी नदियां बहती हैं। नदियों से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को आज हमें सॉल्व करना है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण हम नदियों को देखेंगे। तो चलते हैं, नदियों को पढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, कनाडा जो देश है यहां पर है, USA है। यहां से अगर डिवाइडेशन कर दें तो ऊपर वाला भाग कनाडा है और नीचे वाला भाग USA। कनाडा में एक झील है, झील यहां पर है। झील का नाम है ग्रेट स्लेब झील। कौन सी झील है? ग्रेट स्लेब झील। यहां से एक नदी निकलती है और जाके ऊपर जाती है और यहां पर अपना मुहाना बना देती है। अब जहां पर है नदी अपना पानी गिरा रही है, यहां पर एक महासागर है। महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। महासागर के अंदर यहां पर एक सागर है, सागर का नाम है ब्यूफोर्ट सागर। तो एक नदी है और नदी का नाम क्या है, अच्छे समझिएगा, नदी है, नदी का नाम है मैकेंजी नदी। नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है मैकेंजी नदी। पहली बात तो नदी होगी मैकेंजी, जिस देश में प्रवाहित हो रही है उस देश का नाम है कनाडा। जहां से नदी निकल रही है वहां पर एक झील है और झील का नाम है ग्रेट स्लेब झील। तो कनाडा की ग्रेट स्लेब झील से एक नदी निकलती मैकेंजी, अपना पानी कहां गिराती है? अगर महासागर की बात करें, महासागर तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में महासागर जो है उस महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। तो उत्तर अमेरिका में जो ये महासागर है उत्तर में आर्कटिक, और आर्कटिक महासागर के अंदर एक सागर है, सागर का नाम है ब्यूफोर्ट सागर। और ब्यूफोर्ट सागर में खाड़ी है, खाड़ी का नाम है मैकेंजी की खाड़ी। क्या नाम है? तो खाड़ी का नाम है मैकेंजी की खाड़ी। एक नदी हुई, नदी का नाम फिर से सुन लीजिएगा, नदी जहां से निकल रही है यहां पर एक झील है और झील का नाम है ग्रेट स्लेब झील। ग्रेट स्लेब झील से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है मैकेंजी। कहां पर बहती है? किस देश में बहती है? कनाडा में बहती है। कनाडा में बहने के बाद यह नदी अपना पानी कहां गिराती है? आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर की मैकेंजी की खाड़ी में। अगर महासागर पूछा जाएगा तो आर्कटिक बताइएगा, सागर पूछा जाए तो ब्यूफोर्ट बताइएगा, और खाड़ी पूछा जाए तो मैकेंजी की खाड़ी बता दीजिएगा। जो ये मैकेंजी नदी है ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी। तो यह जो नदी है कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना? आपको जानकारी याद रखनी है। इतनी जानकारी अभी हमने बताई आपको, एक झील के बारे में बताया, ग्रेट स्लेब झील कहां पर है? कनाडा में है। कौन सी नदी निकलती है? मैकेंजी नदी निकलती है। कहां पर पानी गिराती है? तो जो ऊपर वाला भाग है जहां पे मैंने मार्क किया, आर्कटिक महासागर का ब्यूफोर्ट सागर, और ब्यूफोर्ट सागर में खाड़ी है जिसका नाम है मैकेंजी की खाड़ी। तो ये पहली नदी पढ़ ली हम लोगों ने, मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी। बोलो भाई क्लियर है? हाँ क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। कनाडा में एक और झील है, झील यहां पर है और झील का नाम है विनिपेग झील। जहां पे मार्क किया है मैंने व्हाइट कलर से, यहां पर एक झील है, इस झील का नाम है विनिपेग झील। विनिपेग झील जो कनाडा की है, विनिपेग झील के किनारे एक शहर बसा है और शहर का नाम है विनिपेग, और इस विनिपेग शहर में विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी लगती है। तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी किस देश में? कनाडा में है। किस शहर में है? विनिपेग शहर में है। और विनिपेग शहर किस नदी के किस झील के किनारे बसा है? तो विनिपेग झील के किनारे बसा है।
इस विनिपेग झील से एक नदी निकलती है और विनिपेग झील से जो नदी निकलती है वो यहां से निकलती है और ऊपर की ओर बढ़ती है और यहां पर एक खाड़ी है हडसन बे, हडसन की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो अब हम लोगों के पास दूसरी नदी है और जो दूसरी नदी है यही भी कनाडा की नदी है। निकलती कहां से है तो नदी का नाम लिखते हैं पहले, तो नदी का नाम है नेल्सन। नेल्सन नदी कहां पर बहती है तो जिस देश में बहती है उस देश का नाम है कनाडा। कनाडा में बहती है नेल्सन नदी। निकलती कहां से है, कहां से निकलती है तो एक झील है और इस झील का नाम है विनिपेग झील। झील का नाम क्या है तो इस झील का नाम है विनिपेग झील। कनाडा में बहती है नेल्सन नदी से, नेल्सन नदी, और यहां से नदी निकलने के बाद विनिपेग झील से निकलने के बाद अपना पानी कहां गिराती है तो अपना पानी गिराती है हडसन की खाड़ी। कहां पे अपना पानी गिराती है तो अपना पानी गिराती है हडसन की खाड़ी में। दूसरी नदी का नाम नेल्सन नदी। कहां की नदी है, कनाडा देश में बहती है। निकलती कहां से, विनिपेग झील से निकलती है और अपना पानी कहां गिराती है हडसन की खाड़ी। आपसे दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, विनिपेग झील से कौन सी नदी निकलती है नेल्सन, दूसरा पूछ लिया जाता है कई बार हडसन की खाड़ी किस देश के समीप है कनाडा, किस देश के समीप है कनाडा। यहां पर है जो आपको दिख रहा है जहां पे मैंने मार्क किया है, यहां पर एक खाड़ी है और इस खाड़ी का नाम है हडसन की खाड़ी। तो कौन सी खाड़ी, यहां पर हडसन की खाड़ी है। तो हमने दो नदी पढ़ी कनाडा में, एक का नाम है मैकेंजी नदी और दूसरी नदी का नाम क्या है, दूसरी नदी का नाम है नेल्सन नदी। मैकेंजी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। हडसन नदी अपना पानी कहां गिराती है तो हडसन नदी अपना पानी गिरा देती है, सॉरी नेल्सन नदी अपना पानी कहां गिरा देती है तो हडसन की खाड़ी में। बोलो भाई, यदि बात क्लियर है, अगर क्लियर हो तो बता दीजिएगा, समझ में आ रही है चीजें। हाँ, दो नदियां अभी तक मैंने आपको समझाई हैं, इसके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ा जाए। कल हमने आपको पांच झीलें बताई थी, पांच झीलें कौन कौन सी थी जो महाझीलें जिनको कहा जाता है। एक झील का नाम था सुपीरियर, दूसरी झील का नाम था मिशिगन, उसके बाद ह्यूरोन के बाद विनिपेग, और विनिपेग के बाद जो नदी थी उस नदी का नाम क्या था, उस नदी का नाम है ओंटारियो झील। ठीक ना, ओंटारियो झील। ये हमने यहां पर आपको झीलें बोली थी, ठीक ना, पांच झीलें पढ़ाई थी, सॉरी नदी बोल गया मैं, झीलें पढ़ाई थी। तो ये जो पांच झीलें थी उन झीलों में एक झील है और उस झील का नाम क्या है, तो उस झील का जो नाम है, यहां पर मैंने बताया था आपको महान झीलों में एक झील है और इस झील का नाम है ओंटारियो झील। कौन सी झील है, ओंटारियो झील है, महान झीलों के अंतर्गत आती है। कौन सी झील, ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है और ओंटारियो झील से जो नदी निकलती है इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ओंटारियो झील जो महाझीलों की सबसे छोटी झील है वहां से एक नदी निकलती है और नदी का नाम क्या है, नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ओंटारियो झील है, ओंटारियो झील से यहां से एक नदी निकलती है और यहां से नदी निकलने के बाद ऐसे बहती और अपना पानी ओंटारियो की खाड़ी, सॉरी अपना पानी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिराती है। कहां गिराती है तो पानी गिराती है सेंट लॉरेंस की खाड़ी में, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में क्या करती है अपना पानी गिराती है। तो अभी तो हमने नदी के बारे में देखा, नदी का नाम सेंट लॉरेंस नदी, कहां से निकलती है ओंटारियो झील से निकलती है और ओंटारियो झील से निकलने के बाद अपना पानी कहां गिराती है तो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। जो सेंट लॉरेंस नदी का जो क्षेत्र है जहां पे सेंट लॉरेंस नदी बहती है, यह जो सेंट लॉरेंस नदी का क्षेत्र है यह विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग है, अंतःस्थलीय जलमार्ग, विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग कहां पर है, सेंट लॉरेंस नदी में बना है। कनाडा, यूएसए से कहां चला जाता है, कनाडा में चला जाता है।
अंता सबसे व्यस्त, व्यस्त मतलब तो समझ ही रहे हैं कि आवागमन बहुत ज्यादा होता है। अंतःस्थलीय का मतलब क्या, अंतःस्थलीय का मतलब स्थल का मतलब धरातल, और अंता का मतलब अंदर। एक ऐसा जलमार्ग जो धरातल के अंदर बनाओ, धरातल में बनाओ, यानी एक ऐसा जलमार्ग जो धरातल से होते हुए गुजरे उसको हम कहते हैं अंतःस्थलीय जलमार्ग। क्या कहते हैं? अंतःस्थलीय जलमार्ग, ठीक ना। हालांकि अंतःस्थलीय जलमार्ग नदियों में ही बनाए जाते हैं। अब समुद्र में जो जलमार्ग बनाए गए वो अंतःस्थलीय नहीं कहलाते हैं, क्योंकि वहां पे स्थल नहीं होता है। तो अंतःस्थलीय जलमार्ग का मतलब होता है नदी जो है वो धरातल से होते हुए बहती है, तो उसी धरातल में हम जल परिवहन का निर्माण कर देते हैं, उसी को नाम दे दिया जाता है अंतःस्थलीय जलमार्ग, ठीक ना। तो यहाँ पर एक अंतःस्थलीय जलमार्ग है, ठीक ना। इसी सेंट लॉरेंस नदी किनारे कनाडा का एक शहर बसा है, सेंट लॉरेंस नदी किनारे एक शहर बसा है, और इस शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। क्या नाम है? मॉन्ट्रियल शहर है। कहां का शहर है? तो यह शहर है आपका कनाडा का। कहां का शहर है? तो यह शहर है आपका कनाडा, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर। किस नदी के किनारे बसा है? तो कनाडा का जो मॉन्ट्रियल शहर है और जिस नदी के किनारे बसा है उस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। आपको देश याद रखना है, देश का नाम है कनाडा, कनाडा। आपकी एक नदी हो गई, नदी का नाम है ऑन्टारियो, ऑन्टारियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी। कहां पे अपना पानी गिराती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिराती है। कौन सा शहर बसा है कनाडा का? मॉन्ट्रियल शहर है। ये सेंट लॉरेंस नदी की विशेषता क्या है? विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग। तो विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग का नाम बताइएगा, तो आप कहेंगे सेंट लॉरेंस नदी का जलमार्ग विश्व का सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग हो गया। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो विश्व की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो झील का नाम है सुपीरियर। क्या नाम है? सुपीरियर। तो यहां जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील से एक नदी निकलती है और ये नदी ऐसी बहती है और यहां पर मेक्सिको की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं यूएसए की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदियों को। एक नदी का नाम है मिसिसिपी नदी, तो दूसरी नदी का नाम है मिसौरी नदी। देखिएगा, यूएसए में हमने आपको एक झील पढ़ाई है और इस झील का नाम है सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर, सुपीरियर झील से एक नदी निकलती है, ऐसे बहती है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी। कहां से निकलती है? तो मिसिसिपी नदी सुपीरियर झील से निकलती है यूएसए में। यूएसए का यहां वाला भाग जो है, अगर इस साइड देखेंगे तो यहां वाले क्षेत्र को ग्रेट प्लेन कहते हैं, ग्रेट प्लेन, पी एल ए आई एन, ग्रेट प्लेन। महान क्षेत्र भी बोल सकते हैं ग्रेट प्लेन। तो ग्रेट प्लेन या महान क्षेत्र से एक नदी निकलती है और मिसिसिपी नदी से आके मिल जाती है। जो नदी यहां से निकलती है ग्रेट प्लेन से, उस नदी का एक नाम है और नदी का नाम है मिसौरी। तो ग्रेट प्लेन यानी महान क्षेत्र से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है मिसौरी नदी, और मिसौरी नदी अपना पानी किस नदी को दे देती है? तो मिसौरी नदी अपना जल जो है वो मिसिसिपी नदी को दे देती है। तो मिसौरी नदी किस नदी की सहायक नदी हो जाती है? तो मिसौरी नदी मिसिसिपी की सहायक नदी। अब जो मिसिसिपी नदी है यह यूएसए के साथ साथ उत्तर अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यूएसए के साथ साथ उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी, यूएसए के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम बताइएगा मिसिसिपी। यूएसए की भी सबसे लंबी और यूएसए किस महाद्वीप में? नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका की। मिसौरी जो है वह यूएसए के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी। तो मिसौरी जो है वो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। जिस देश में बह रही है उस देश का नाम है यूएसए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यूएसए की भी सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी है, और जो सबसे लंबी नदी उसका नाम मिसिसिपी। तो हम यह भी कह सकते हैं कि यूएसए की सबसे लंबी नदी के साथ साथ उत्तर अमेरिका की भी सबसे लंबी नदी का नाम तो हो जाएगा आपका मिसिसिपी। कौन सी नदी हो जाएगी? मिसिसिपी। अब देखिएगा, जो मिसिसिपी नदी है, मिसिसिपी नदी से इस साइड से एक छोटी सी नदी आपकी मिलती है। पूछा जाता है एग्जाम में
नदी का नाम है ओहियो। क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है ओहियो नदी। ये मिसिसिपी बह रही है और मिसिसिपी से सबसे नीचे आके एक नदी मिलती है और इस नदी का नाम है रेड नदी। क्या नाम है? रेड नदी। अब देखिएगा डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम में आपको समझाते हैं कहां पे कौन सी नदी है। देखिएगा यहां पर एक नदी बह रही है, इस नदी का नाम है मिसिसिपी। मिसिसिपी से यहां पर एक नदी आके मिल रही है ओहियो और ओहियो के बाद एक नदी यहां पे आके मिल रही है रेड। एक नदी जो यहां से आ रही है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम मिसौरी। और मिसौरी नदी से आके एक नदी मिल रही है, नदी का नाम है प्लेट। तो मिसौरी नदी से एक नदी आके मिल जाती है, जगह ना होने कारण नहीं बना रहे हैं प्लेट। आप देख रहे हैं किस प्रकार की आकृति हो गई इस नदी की, वृक्षाकार। किस आकार की है? वृक्ष। ऐसा लग रहा है जैसे वृक्ष हो, वृक्ष की कई सारी टहनियां हो। तो मिसिसिपी नदी में इतनी सारी नदियां आके मिलती हैं। मिसिसिपी नदी के क्षेत्र में, मिसिसिपी नदी के क्षेत्र में यूएसए में कपास की खेती की जाती है, इसलिए मिसिसिपी नदी के क्षेत्र को यूएसए में कपास की पेटी कहा जाता है। किसकी पेटी कहा जाता है? कपास। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूएसए का वह क्षेत्र कौन सा है जहां पे कपास की खेती की जाती है या जिसे कपास की पेटी कहा जाता है, आप कहेंगे मिसिसिपी और मिसौरी नदी के बीच के क्षेत्र को, यानी दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र होता है उसे हम दोआब कहते हैं। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के दोआब में। अब ये जो मिसिसिपी नदी है अपना पानी कहां गिराती है? तो नीचे यहां पर कौन सी खाड़ी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। तो यहां पर आती है और यहां पर पंजाकार डेल्टा बनाती है, पंजे के आकार का, और अपना पानी कहां गिरा देती है? तो अपना पानी गिरा देती है मैक्सिको की खाड़ी में। कहां गिरा देती है? पानी गिराती है मैक्सिको की खाड़ी में। कहां पे अपना पानी गिराती है? तो अपना पानी मैक्सिको की खाड़ी में गिराती है, मैक्सिको की खाड़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि और कौन सी नदी है जिसका डेल्टा पंजाकार आकार का है, पंजाकार, पंजे के आकार का, पंजाकार डेल्टा का निर्माण, पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? आपको क्वेश्चन याद रखना है, इसका आंसर याद रखना है मिसिसिपी। विश्व की मिसिसिपी नदी एक ऐसी नदी है जो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक ना। ये है मिसौरी और मिसिसिपी नदियों का क्षेत्र, उनकी संबंधित सहायक नदियां, ठीक ना। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया, तो आगे बढ़े। इतनो नदियां हो गई, कई सारी नदियां होंगी। अब और नदियों के बारे में देखते हैं, तो इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं। एक बाबू मैंने आपको एक पर्वत बताया था, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत जो है, उस पर्वत का नाम था अपलेशन। तो यहां पर अपलेशन पर्वत है, यहां पर अपलेशियन पर्वत के क्षेत्र से अपलेशियन पर्वत के क्षेत्र से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। एक नदी का नाम क्या है? एक नदी का नाम है पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी। दूसरी नदी का नाम क्या है? दूसरी नदी का नाम है हडसन नदी। यहां पर ऐसे बहती है और अपना पानी अटलांटिक, दोनों नदियां निकलती अपलेशियन पर्वत से और अपना पानी कहां पर गिराती हैं? तो अपना पानी गिराती हैं अटलांटिक महासागर में। कहां पर अपना पानी गिराती हैं? तो दोनों नदियां अपना पानी गिराती हैं अटलांटिक महासागर में। हडसन नदी के किनारे एक शहर बसा है और हडसन नदी किनारे जो शहर बसा है उस शहर का नाम है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क शहर जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है हडसन, और पोटोमैक नदी के किनारे एक शहर बसा है और पोटोमैक नदी के किनारे जो शहर है उसका नाम वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए की कैपिटल है, यूएसए की राजधानी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है
यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे बसी है? आपको याद रखना पोटोमैक। और न्यूयॉर्क शहर किस नदी किनारे है? तो आपको नदी का याद रखना है हडसन नदी। हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क शहर और पोटोमैक नदी किनारे वाशिंगटन डीसी। दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? अपलेशियन पर्वत से। कहां पे अपना पानी गिराती हैं? अटलांटिक महासागर। देखिए एक नदी ऐसे निकलती है और एक नदी यहां पर ऐसे बहती है, ठीक ना। दोनों नदियां हैं और अपना पानी कहां गिरा देती हैं दोनों नदियां? तो अटलांटिक महासागर में दोनों नदियां अपना पानी गिराती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। इतनी सारी नदियां हो गई, एक दो नदियां और इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। यहां पर रॉकी पर्वत है। रॉकी पर्वत से के छेद से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। एक नदी यहां पर है और दूसरी नदी यहां पर है, ठीक है। तो रॉकी पर्वत के छेद से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। दोनों नदियां हम आपको समझा दे रहे हैं अभी। रॉकी पर्वत के छेद से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। देखिएगा, रॉकी पर्वत से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। रॉकी पर्वत से निकल रही हैं। कहां से निकलती हैं? रॉकी पर्वत माला से। रॉकी पर्वत माला से दो नदियां निकलती हैं। एक नदी जो नीचे वाली नदी है, नीचे वाली नदी, इसको हम एक नंबर दे दे रहे हैं, और जो ऊपर वाली इसको हम दो नंबर। जो एक नंबर वाली नदी है रॉकी पर्वत से निकलने वाली, इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है जो एक नंबर वाली या नीचे वाली, इस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है जो एक नंबर वाली नदी है? इसका नाम है कोलोराडो नदी। और जो ऊपर है दो नंबर वाली नदी, रॉकी पर्वत से निकलती है जो दो नंबर वाली नदी है, इसका नाम है कोलंबिया नदी। क्या नाम है? कोलंबिया। तो एक नदी है जो रॉकी पर्वत से निकलती है, एक नदी है कोलोराडो, और दूसरी नदी का नाम क्या है? दूसरी नदी का नाम है कोलंबिया। दोनों नदियां जाती हैं और अपना पानी कहां गिराती हैं? प्रशांत महासागर। दोनों नदियां अपना पानी कहां गिरा रही हैं? तो दोनों नदियां अपना जल गिराती हैं प्रशांत महासागर में। कहां पर अपना जल गिराती हैं? तो दोनों नदियां अपना पानी प्रशांत महासागर में गिराती हैं। और भी कई सारी नदियां, जैसे यहां पर एक और नदी है वो फ्रेजर। तो यूएसए या कनाडा की जितनी भी नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती हैं, उन सभी नदियों में जो सबसे लंबी नदी है, उस नदी का नाम है कोलंबिया। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि कोलंबिया नदी यूएसए की सबसे लंबी नदी है, ना, मैं ये नहीं बोला हूं। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि उत्तर अमेरिका महाद्वीप की ऐसी नदियां जो अपना जल प्रशांत महासागर में गिराती हैं, उन नदियों में जो सबसे लंबी नदी है, उस नदी का नाम है कोलंबिया नदी। उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है कोलंबिया नदी। तो कोलंबिया नदी अपना जल कहां गिराती है? प्रशांत महासागर के क्षेत्र में गिराती है, ठीक ना। अब आगे देखिएगा, कोलोराडो नदी जब पर्वतों से नीचे गिरती है, कौन से पर्वत से? रॉकी पर्वत। पर्वत ऊंचे होते हैं, तो जब कोलोराडो नदी पर्वत से नीचे गिरती है, रॉकी पर्वत के नीचे गिरती है, तो गहरे गहरे आकार के गार्ज बनाती, वी आकार की घाटी को गार्ज कहते हैं। तो गहरी गहरी घाटियों का निर्माण कर दिया, तो कोलोराडो नदी ने गहरे गहरे गार्ज बनाए हैं। गहरे गार्ज का निर्माण किया। आपसे कोई पूछे गार्ज किसे कहते हैं, आप कहेंगे वी आकार की घाटी को हम गार्ज कहते हैं, वी आकार की घाटी। क्या कहलाती? वी आकार की घाटी गार्ज कहलाती। क्या कहलाती है? गार्ज कहलाती, वी आकार की घाटी। दूसरी बात सुनिएगा, जो इसने गहरे गहरे गार्ज बनाए हैं, उन्हीं गार्जों में एक घाटी का भी निर्माण किया गया, और उस घाटी का नाम है मृत घाटी, डेथ वैली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मृत घाटी किस देश में है? तो मृत घाटी जिस देश में, उस देश का नाम है यूएसए। मृत घाटी जिस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया, उस नदी का नाम है कोलोराडो नदी। तो कोलोराडो नदी जब रॉकी पर्वत से नीचे गिरी, तो उसने घाटी का निर्माण कर दिया, और वह घाटी विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी है। मतलब एक ऐसी घाटी जिसका निर्माण नदी के द्वारा किया गया है, तो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटी का नाम मृत घाटी। कहां पर है? यूएसए में है। किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया? निर्माण किया गया कोलोराडो नदी के द्वारा। उसके बाद
ऊपर जो बह रही है कोलंबिया है, कोलंबिया, कोलंबिया नदी, कोलंबिया नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जितनी भी नदियां हैं जो प्रशांत महासागर में अपना जल गिराती हैं उन सब में सबसे लंबी है। दूसरी बात, कोलंबिया नदी पर एक बांध बना है और कोलंबिया नदी पर जो बांध बना है उस बांध का नाम है ग्रैंड कूली बांध। क्या नाम है? ग्रैंड कूली बांध, ग्रैंड कूली बांध यूएसए में है। कहां पर है? तो ग्रैंड कूली बांध आपका यूएसए में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रैंड कूली बांध किस नदी पर निर्मित है, तो ग्रैंड कूली बांध जिस नदी पर निर्मित है उस नदी का नाम है कोलंबिया, जिस देश में है उस देश का नाम है यूएसए, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण नदियां थी जो अभी तक हम आपको समझा रहे थे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की महत्वपूर्ण नदियां, ठीक ना। हमने यहां से समझाना स्टार्ट किया था, एक नदी का नाम मैं रिवाइज करा रहा हूं पांच मिनट में। एक नदी थी जिसका नाम है मैकेंजी नदी। कौन सी नदी? मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। दूसरी नदी का नाम मैंने बताया था नेल्सन। नेल्सन नदी कहां से निकलती है? तो विनिपेग झील से निकलती है। और विनिपेग झील के बारे में हमने आपको बताया कि विनिपेग झील जो है उसके किनारे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, ठीक है ना। उसके बाद हमने आपको एक यहां पे बताया कि सेंट लॉरेंस नदी है जो ओंटारियो झील से निकलती है और सेंट लॉरेंस नदी अपना पानी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिराती है। कहां गिराती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। सेंट लॉरेंस की खाड़ी विश्व का सबसे व्यस्त अंतरस्थलीय जलमार्ग का उदाहरण है। इतना हो गया। उसके बाद हमने बताया कि अपलेशियन पर्वत से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, एक का नाम है हडसन नदी, एक का नाम है पोटोमैक नदी। हडसन नदी किनारे न्यूयॉर्क शहर है जबकि पोटोमैक नदी किनारे, जबकि पोटोमैक नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो पोटोमैक नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर है। उसके बाद हमने बताया रॉकी पर्वत से दो महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, एक का नाम है कोलोराडो और दूसरी का नाम है कोलंबिया। कोलोराडो नदी पर, कोलोराडो नदी, दोनों नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। कोलोराडो नदी जब पर्वतों से नीचे उतरती है तो गहरे गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज को, बी आकार की घाटी को हम गार्ज कहते हैं। कोलंबिया नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है ग्रैंड कूली बांध। किस देश में बना है? यूएसए में बना है। मृत घाटी का निर्माण किस घाट नदी के द्वारा किया गया? कोलोराडो नदी के द्वारा। मृत घाटी कहां पर है? यूएसए में। उसके बाद हमने आपको बताया कि यूएसए की जो सुपीरियर झील है उस झील से एक नदी निकलती है मिसिसिपी, और मिसिसिपी नदी में एक नदी आके मिलती है मिसौरी। मिसौरी नदी यूएसए के साथ साथ उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है जबकि मिसिसिपी उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इतनी चीज बताई। उसके बाद हमने क्या बताया आपको? उसके बाद हमने आपको ये बताया कि कई सारी और भी नदियां आती हैं उसमें आके मिल जाती हैं, और मिसिसिपी नदी अपना पानी कहां गिराती है? मेक्सिको की खाड़ी में। कहां अपना पानी गिराती है? मेक्सिको की खाड़ी में। मिसिसिपी और मिसौरी नदियों के जो बीच का दोआब का क्षेत्र है ना, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं, तो उस दोआब के क्षेत्र में सबसे ज्यादा कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती किए जाने के कारण ही उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यूएसए की कपास की पेटी, कपास की पेटी या कपास का कटोरा, ठीक ना। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप यहां पे आते आते समाप्त हुआ। कल मैंने झीलें समझाई थी, आज मैंने आपको ये समझा दिया, ठीक ना। कल मिलते हैं तो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट कल पढ़ते हैं, ठीक है। कल तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।